नाम से लिखवाया था आईफर अभी से दीवानस के नाम से अभी से अपने तो पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं किया उसको नहीं उठाया किस बात का एफआईआर लिखा था आपको कुछ वो कुछ लफड़ा हो गया था अभी से का और दीवानस का कि पहले मेरे खिलाफ तूने बयान दी थी अब की बार क्यों मुकर रहा है अभिषेक ने बोला उस दीवानस ने बोला कि 25,000 रुपये मैं दे रहा हूँ तू बयान दे नहीं देगा तो तेरे को मैं मरवा दूंगा वो बाहर देश चला गया मैंने बोला उसको बात हुई थी उसकी मेरी दीवान से बोला था मैंने कि वो तेरे 25,000 रुपये भी तू देगा उस बयान दिया तो मार देंगे तो बोला अभिषेक बोला मैं नहीं बयान दूंगा नहीं तो मेरे को मार देंगे ये लोग मार देंगे बोला था तो दीवानस ने बोला था नाम से लिखवाया था आईफर अभिषेक दीवानस के नाम से अभिषेक ने तो पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं किया उसको नहीं उठाया किस बात का एफआईआर लिखा था आपको कुछ वो कुछ लफड़ा हो गया था अभिषेक का और दीवानस का कि पहले मेरे खिलाफ तूने बयान दी थी अब की बार क्यों मुकर रहा है अभिषेक ने बोला उस दीवानस ने बोला कि 25,000 रुपये मैं दे रहा हूँ तू बयान दे नहीं देगा तो तेरे को मैं मरवा दूंगा वो बाहर देश चला गया मैंने बोला उसको बात हुई थी उसकी मेरी दीवान से बोला था मैंने कि वो तेरे 25,000 रुपये भी तू देगा उस बयान दिया तो मार देंगे तो बोला अभिषेक बोला मैं नहीं बयान दूंगा नहीं तो मेरे को मार देंगे ये लोग मार देंगे बोला था दीवानस ने तो बोला था मार दूंगा उसका आपने अभिषेक से कुछ कहा था वापस आने के लिए मैंने बोला था उसको कि रफा दफा हो गया था फिर वो बोला आंटी कुछ नहीं करूँगा अभिषेक को कुछ नहीं करूँगा अभी इसने भी बोला था नहीं करेगा कुछ मैंने बोला नहीं करेगा उसने उधर से बोला अभी किया गया है लेकिन अभी दो लोग अभी भी बाकी हैं जो दीवानस है वो अभी फरार है उसका कोई पता नहीं है और मुझे इंसाफ चाहिए मुझे बाबा आदित्यनाथ बाबा जी से यही कहना है कि मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे मेरे परिवार की सेफ्टी चाहिए अगर मैं अभी यहाँ पे मीडिया के सामने बोल रहा हूँ अगर मुझे कुछ हुआ या मेरे परिवार को कुछ हुआ मैं काम पर चला जाता हूँ तो उसके जिम्मेदार कौन होगा।